प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दिल्ली लौटते ही प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लाने का ऐलान कर दिया। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारत वासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। इस योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप के कमजोर लोगों के घरों पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करेगी, लेकिन इसके फायदे क्या हैं ये भी आपको बताते हैं। सोलर पैनल सिस्टम की मदद से घर में ही बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है। पावर ग्रिड से मिलने वाली बिजली की तुलना में ये सस्ती है। सोलर पैनल के लिए अलग से जगह की जरूरत नहीं है, छत पर लगा सकते हैं। सोलर पैनल के लिए सरकार सब्सिडी देती है, जिसे खरीदना आसान होता है। सोलर पैनल की लाइफ 25 साल होती है, मरम्मत या मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ऐसी तकनीक है जो सूर्य की किरणों से ऊर्जा सोख कर बिजली प्रोड्यूस करती है। 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने में 45 से 85 हजार रुपए तक का खर्च आता है। ये बिजली वही काम करती है जो पावर ग्रिड से आए बिजली काम करती है। सूर्योदय योजना के तहत हर घर को सूरज की रोशनी से घर को रोशन करने का मिशन रखा गया है।